मंच पे हमारे सब नगर के महत्वपूर्ण व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर की गई बैठक आयोजित टीकमगढ़ शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज शहर के प्राइवेट गार्डन में प्रेस वार्ता एवं बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी द्वारा बताया गया कि यह विशाल आयोजन टीकमगढ़ नगर में किया जा रहा है। यह कथा श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारवंद से 7 दिवस तक धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए की जाएगी एवं 2 दिवसीय राम दरबार का भी आयोजन होगा। श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा इस कथा का वाचन अपने मुखारवंद से किया जाएगा। श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए जिले के आसपास अपितु अन्य प्रदेशों से सभी श्रद्धालुओं का यहां आना होगा, जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर समिति के सदस्यों को दायित्व दिए जा रहे हैं। वहीं 5 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि भव्य कलश यात्रा होगी, जिसमें नगर के सभी लोग सम्मिलित होकर इस आयोजन को विशाल रूप देंगे। यह कथा 5 जनवरी से 11 जनवरी तक की जाएगी। यह टीकमगढ़ नगर के लिए बहुत ही विशाल आयोजन होगा और यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु आकर धर्म लाभ लेंगे। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट, न्यूज लाइव 18। टीकमगढ़ को तीर्थस्थली के रूप में सजाने का हम सब प्रयास करें और जितने लोग भी बाहर से आ रहे हैं तीर्थस्थली के, अगर कोई जाना चाहता है उसको रास्ता पता नहीं है, कोई भटक रहा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, तो जैसे भी जो स्तर पर छोटे स्तर पर मदद करते हुए बने छोटे पे करें, जो जाके छोड़ सकता है और अच्छी बात है। तो कोई भी यहाँ आने वाला व्यक्ति नहीं कहे यार कि टीकमगढ़ गए थे यार, वहां हमें 3 दिन 2 घंटे इतने परेशान रह गए, हमें एक पता नहीं पड़ा कि कहाँ है। आज हमने सभी टीकमगढ़ नगर के और जिले के वरिष्ठ जनों को यहाँ अपने बीच आमंत्रित किया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो हमें पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की 5-7 दिवसीय कथा जनवरी 5 से 11 जनवरी 22 तक आयोजित है, जिसमें कलश यात्रा 5 जनवरी 2022 को आयोजित की जाना है, 2 दिवसीय दिव्य दरबार है। सभी वरिष्ठ जनों से सहयोग प्राप्त करते हुए हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि टीकमगढ़ नगर और संपूर्ण जिले के धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए सभी समितियां, सभी व्यक्ति, पत्रकार बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों के द्वारा आयोजित समिति में सहभागिता निभाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। खासकर हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को, जो इस सृष्टि के चौथे स्तंभ आप हैं, आप इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इस पूज्य सरकार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सहयोग प्रदान करें, ऐसी हम आपसे आशा रखते हैं। महाराज जी के 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजन में संपूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं का, प्रशासन का, सभी लोगों का हमें सहयोग प्राप्त है, ऐसे हम निवेदन करते हैं कि और जो बढ़ के युवा साथीगण सहयोग करें, आगे आएं, हम उनसे भी ऐसा निवेदन करना चाहते हैं। माताएं बहनें कलश यात्रा में शामिल रहें, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच कलश यात्रा का 5 जनवरी का कार्यक्रम हम सफल बनाने का प्रयास करें।